जनपद रायबरेली में अपराधियों और दबंगों को अब पुलिस का तनिक भी भय नहीं रहा है। तभी तो दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और आए दिन दबंगों की गुंडाई का वीडियो वायरल हो रहा है। एक बार फिर सदर कोतवाली क्षेत्र के कहारों के अड्डे में दबंगों की दबंगई का वायरल वीडियो नजर आया है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के कहारों के अड्डे में बीते कुछ दिन पहले 17 वर्षीय युवक नूर आलम पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया था और हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन 3 दिन बाद भी दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं रायबरेली कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए धारा 34, 323, 506 और 504 आईपीसी धारा का मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, लेकिन दबंग पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर हैं। गिरफ्तारी न होने के संबंध में परिजनों ने पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि विपक्ष हम लोगों पर सुलह समझौते का दबाव लगातार बना रहा है, ऐसे में दोबारा कोई अनहोनी न हो इसलिए पुलिस अधीक्षक से गिरफ्तारी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने सहित जानमाल सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। सीओ सिटी वंदना सिंह ने फोन पर जानकारी दी कि मामले में मुकदमा पंजीकृत है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आज कहाँ आए हैं? आज हम कप्तान साहब के पास आए थे। किस लिए आए हैं? 11 तारीख को हमारे लड़के के ऊपर अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, 5-6 लोगों ने, कारों के अड्डे पे। तो उस दिन उसको हम फिर अस्पताल लाए बेहोशी की हालत में, और वहाँ फिर इसके मतलब जानकारी हुई, फिर FIR हुआ, मुकदमा हुआ। उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि लाठी डंडा और कट्टे की वज से इसके ऊपर हमला हुआ। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई क्या? किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और हम लोगों के पास सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा, धमकी दी जा रही है। जनपद में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और अपराधियों पर शिकंजा कसने में रायबरेली पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। आए दिन दबंगों के खुलेआम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दबंग खुलेआम रोड पर लाठी डंडों से लैस होकर पीटते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ दबंग एक नाबालिग बच्चे पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। आज पीड़ित एक बार फिर पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है कि लगातार दबंग जो है जान से मारने की धमकी और सुलह समझौते का दबाव बना रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस किन धाराओं में उन दबंगों को जेल भेजती है, ये तो समय तय करेगा। रायबरेली, पंजाब केसरी, SK सोनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।